वेलकम टू ओनली आईएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम्स बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 14 नवंबर 2020। तो आइए देख लेते हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले आप सभी लोगों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज सेशन रिकॉर्ड करने में काफ़ी डिले हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको बैकग्राउंड में कुछ म्यूजिक भी सुनने को मिल जाएगा बिकॉज ऑफ बस्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स। वैसे तो दिल्ली में इसे बैन कर दिया गया है, लेकिन जिन लोगों को बस्ट करने की बहुत ज़्यादा इच्छा रही होगी शायद उन्होंने इसे कहीं से अरेंज कर लिया होगा। खैर, हम अपने सेशन में आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला आर्टिकल आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के बारे में है। अभी हाल ही में फाइनेंस मिनिस्टर ने इस रोजगार योजना को अनाउंस किया है। कोविड-19 आने के बाद एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई है, लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो गवर्नमेंट ने इसे थोड़ा सा इंसेंटिवाइज करने के लिए इस रोजगार योजना को लॉन्च किया है ताकि नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कोविड-19 के बाद रिकवरी फेज में जेनरेट हो सके। इसमें जो भी नए एम्प्लॉयज होंगे, देखिए इसका एक उद्देश्य तो इकोनॉमी को बूस्ट करना भी है। कोशिश की जाएगी कि जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके हाथ में ज़्यादा पैसा बचे। तो जब भी कोई व्यक्ति फॉर्मल सेक्टर में जॉब करने जाता है तो उसका प्रोविडेंट फंड कटता है। इसमें उस व्यक्ति को अपनी सैलरी का 12% कॉन्ट्रीब्यूट करना होता है, जिसके साथ साथ जो एम्प्लॉयर होता है वो भी 12% अपनी ओर से कंट्रीब्यूट कर देता है। तो 24% अमाउंट इसमें सेव होता रहता है जो बाद में वो विड्रॉ कर सकते हैं, निकाल के अपने इस्तेमाल में ले पाते हैं जब उनकी जॉब एंड होती है या बिफोर दैट इन अदर केसेस। अब यहाँ पर सरकार प्लान बना रही है इन्हें इंसेंटिवाइज करने को लेकर। यहाँ पर देखिए, अगर सरकार जो एम्प्लॉयर्स हैं उनसे ये कह दे कि ये 12% हम आपकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो हम पे कर देंगे तो इनका ये पैसा बच जाएगा, तो ये लोग इंसेंटिवाइज होंगे नया एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने को लेकर। अगर जो एम्प्लॉय का 12% है वो भी गवर्नमेंट पे कर दे तो एम्प्लॉय के हाथ में ज़्यादा पैसा बचेगा खर्च करने को और इससे इकोनॉमी को थोड़ा स्टिमुलस मिलेगा। इसी उद्देश्य से इस रोजगार योजना को लॉन्च किया गया है। इसमें जो बेनिफिशियरी होंगे वो प्राइमा फेसिया ऐसे लोग होंगे जो नया एम्प्लॉयमेंट पकड़ रहे हैं, नई जॉब पकड़ रहे हैं। हालांकि इसमें एक ये भी है कि ऐसे ही एम्प्लॉयज़ के लिए ये स्कीम एप्लीकेबल होगी जिनकी मंथली सैलरी 15,000 से कम हो और उन्होंने नया नया एम्प्लॉयमेंट पकड़ा हो। दूसरा एक ये भी मैकेनिज्म बताया गया है कि कई सारे लोग ऐसे रहे जिनकी जॉब कोविड के लिए जब लॉकडाउन लगा या कोविड जब बिल्कुल स्प्रेड हो गया उसके बाद उनकी जॉब चली गई, तो वो वापस से उनकी जॉब गई और वो फिर से जॉब पकड़ेंगे। तो अब उनकी जॉब बिल्कुल नई तो नहीं है, लेकिन जॉब कोविड की वजह से छूट गई थी। तो ऐसे लोग जिनकी जॉब मार्च 1 से लेकर सितंबर 30 के बीच में छूट गई थी और उन्होंने वापस से अक्टूबर 1 के बाद जॉब पकड़ी, उनको भी इस रोजगार योजना का फायदा मिलेगा। गवर्नमेंट यहाँ पर सब्सिडी प्रोवाइड करवाएगी 2 साल के लिए। जो भी नए एलिजिबल एम्प्लॉयज हैं उनका पीएफ जो होगा, प्रोविडेंट फंड होगा, वो सरकार अपनी ओर से पे करेगी। और ऐसी कंपनीज जिनके पास 1,000 से कम एम्प्लॉय हैं वो जो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं पीएफ में, वो भी सरकार 2 साल तक पे करेगी। मतलब ऐसी कंपनीज जहाँ पर 1,000 से कम एम्प्लॉय हैं वहाँ पर पीएफ का सारा खर्चा गवर्नमेंट बेयर कर लेगी, और ऐसी कंपनीज जहाँ पर एम्प्लॉयज़ की संख्या 1,000 से ज़्यादा है वहाँ पर 12% यानी कि जो एम्प्लॉय का पीएफ होगा वो गवर्नमेंट पे कर देगी, एम्प्लॉयर को तो अपना देना पड़ेगा। ये जो स्कीम है वो 30 जून 2021 तक ऑपरेशनल होगी, यानी कि 1 अक्टूबर 2020 से लेकर 30 जून 2021 के बीच में जो भी लोग जॉब पकड़ेंगे उन 2 कैटेगरीज में जो मैंने आपको बताया, नई जॉब वाले 15,000 से कम सैलरी पे, या फिर वो लोग जिनका कोविड के दौरान जॉब छूट गया और वापस वो जॉब लेते हैं, तो उनके लिए ये इंसेंटिव गवर्नमेंट की ओर से दिया जाएगा। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो हैदरपुर वेटलैंड के बारे में है। जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उत्तर प्रदेश का, वो प्रयास कर रहा है कि हैदरपुर वेटलैंड को रामसार साइट का दर्जा मिल जाए। तो ये वेटलैंड उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है ये तो आपको समझ में आ गया होगा। मुजफ्फरपुर और आसपास के जो एडजॉइनिंग एरियाज हैं वहाँ पर ये आपको स्प्रेड मिलेगा। लोकेशन जो है वो हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पार्ट है ये वेटलैंड, और ये 5 जो उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर फैला हुआ है। ये वेटलैंड जो पानी है वो गंगा नदी और सुलानी रिवर से गैदर करता है। इसे देखिए, गंगा नदी के लिए जो एक नमामि गंगा प्रोग्राम चलाया गया था उसके तहत भी इस हैदरपुर वेटलैंड को इंक्लूड किया गया था। ये जो वेटलैंड है ये एक इंपॉर्टेंट स्टॉप ओवर डेस्टिनेशन है। कई सारी माइग्रेटरी बर्ड्स जो विंटर के महीने में आती हैं वो यहाँ पर स्टे करती हैं, जैसे कि ग्रे लैग गूज यानी कि बतख और बार हेडेड गूज, ये बतख की प्रजातियाँ हैं जो यहाँ पर आकर स्टे करती हैं। जो हमारा अगला आर्टिकल है
वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में है। नॉर्थ कोरिया ने अभी IAEA के ऊपर आरोप लगाया है कि वो जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं जो कि नॉर्थ कोरिया की दुश्मन हैं या उनको लेकर होस्टाइल हैं, IAEA उनके पपेट की तरह, उनकी हाथों की कठपुतली की तरह काम करता है। जब अभी हाल ही में एक नई रिपोर्ट में नॉर्थ कोरिया का जो न्यूक्लियर वेपन स्टॉक पाइल है, जो उनका जखीरा है, उसके बारे में ये कहा गया IAEA के द्वारा कि वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर रहा है। देखिए, जो नॉर्थ कोरिया है वो अक्सर ऐसी एजेंसीज के ऊपर आरोप लगाता रहता है। अब हम यहाँ पर ये क्यों कह दें कि नॉर्थ कोरिया पूरी तरीके से गलत है, या हम यही क्यों कहें कि IAEA पूरी तरीके से गलत है? IR में देखिए, आपको एक बात का ध्यान रखना होता है, एक ओर तो आपको न्यूट्रल रहना होता है, एट द सेम टाइम आपको एक बात के लिए और अवेयर रहना होता है कि इंटरनेशनल इशूज़ पर जो इंडिया का ऑफिशियल स्टैंड है वही आपका स्टैंड होता है। अगर आपने वो ऑफिशियल स्टैंड नहीं लिया है तो UPSC आपके लिए उतनी ही और वैसे ही होस्टाइल हो जाएगी जैसे वेस्टर्न कंट्रीज नॉर्थ कोरिया के लिए होस्टाइल हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना होता है। देखिए, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, एजेंसी कहते हैं इसे, एटॉम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट के नाम से पुकारा जाता है यूनाइटेड नेशंस फैमिली में। इसे 1957 में ऑर्गेनाइजेशन में इस्टेब्लिश किया गया। यहाँ पर देखिए, जो इसका मैंडेट है वो ये है कि ये इंटरगवर्नमेंटल फोरम की तरह काम करेगा, सभी देश इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। ये साइंटिफिक और टेक्निकल कोऑपरेशन बिल्ड करेगा न्यूक्लियर फील्ड में, सेफ, सिक्योर और पीसफुल इस्तेमाल को प्रमोट करेगा पूरी दुनिया में न्यूक्लियर साइंस को लेकर। देखिए, वैसे तो यहाँ पर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है IAEA, ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिपेंडेंट तरीके से ये काम करता है, फिर भी ये यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल दोनों को अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है। इसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया के वियना में है, मेंबर्स 171 है, इंडिया 1957 से ही इसका मेंबर है। इसमें एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं जो इसके सारे एग्जीक्यूशंस वगैरह करते हैं, काम करते हैं, उसमें 22 मेंबर्स होते हैं। ध्यान दिया जाता है कि दुनिया के हर हिस्से से इसमें लोग आ जाएं, और हर एक साल में 11 लोगों को चुना जाता है। मेंबर्स का कार्यकाल 2 साल का होता है, मतलब आधे लोग हर साल रिटायर कर जाते हैं। यहाँ पर ये बताया गया है कि वैसे तो पूरी दुनिया में जो हॉस्टैलिटी है वो बढ़ रही है, फिर भी जो देश हैं वो अपने न्यूक्लियर स्टॉकपाइल को कम कर रहे हैं। जैसे रशिया के पास अभी टोटल 6,375 वॉरहेड्स हैं, उसने 125 वॉरहेड्स कम किए हैं। अमेरिका 5,800, उसने भी 385 वॉरहेड्स कम किए हैं। चाइना ने अपने वॉरहेड्स की संख्या बढ़ाई है, 30 बढ़ा दी है। फ्रांस ने 10 कम किए हैं, यूनाइटेड किंगडम में 15 बढ़ा दिए हैं। पाकिस्तान के बारे में अभी डेटा नहीं है, उन्होंने बढ़ाया घटाया क्या किया। इंडिया ने 10 अपने वॉरहेड्स बढ़ाए हैं, इसराइल का अभी मतलब उन्होंने ना तो घटाया है ना बढ़ाया है, और नॉर्थ कोरिया ने 10 बढ़ा दिए हैं। तो ये पूरा डेटा यहाँ पर दिया गया है। अगला आर्टिकल INS वजीर के बारे में है। हाल ही में 5th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन, जिसे प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया जा रहा है, उसका नाम वजीर है, इसे अभी लॉन्च किया गया है। मेजागांव डॉक जो लिमिटेड है उसका जो एरिया है मुंबई में, वहाँ पर देखिए ये 6 कलवारी क्लास सबमरीन बनाई जानी थी प्रोजेक्ट 75 के तहत। ये 5वां है जो कंप्लीट हो गया है, एक और बचा है जो अभी बनना है। इसे डिजाइन किया गया है एक फ्रेंच नेवल डिफेंस और एनर्जी कंपनी DCNS के द्वारा। मैन्युफैक्चरिंग इसकी मेजागांव डॉक लिमिटेड में हुई, जो कि एक शिपयार्ड है मुंबई में। अब यहाँ पर देखिए, इसका नाम एक सैंडफिश के नाम पर रखा गया है जो कि इंडियन ओशन में पाई जाती है। काफ़ी खतरनाक है ये, हमला करने में जो समुद्री जीव हैं उनके ऊपर, ये समंदर के अंदर जो सैंड होती है उसमें घुसकर छुप के चल देती है। यहाँ पर देखिए, स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है सबमरीन में। स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी का मतलब होता है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो सबसे पॉसिबल और बढ़िया टेक्नोलॉजी हो सकती है, उसे स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी कहा जाता है। सुपीरियर स्टेल्थ फीचर है, मतलब ये छिप सकती है आसानी से, और नॉइज बहुत कम करती है, मतलब ये इफिशियंट है। अपने हथियारों को बहुत ही प्रेसिशन के साथ गाइडेड फॉर्म में इस्तेमाल करके दुश्मन के ऊपर हमला कर सकती है, हर तरीके के ऑपरेशन थिएटर में जहां पर भी आवश्यकता पड़े ये हमला करने में सक्षम है। एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से ट्रेवल कर सकती है। कई तरीके के मिशन में ये अपना कंट्रीब्यूशन दे सकती है, एंटी सरफेस वॉरफेयर हो, सबमरीन के अगेंस्ट में कार्रवाई करनी हो, इंटेलिजेंस गैदर करना हो, माइंस बिछानी हो दुश्मनों के लिए, या फिर एरिया को सर्विलांस करना हो, इन सभी चीज़ों में INS वजीर कैपेबल होगा। ये देखिए, टॉर्पीडोज और ट्यूब लॉन्च्ड एंटी शिप मिसाइल्स दोनों से हमला कर सकती है, अंडर वाटर भी और सरफेस के ऊपर भी। कुछ ट्यूब्स होते हैं जो
सबमरीन्स के साथ या फिर वॉरशिप्स के साथ इंस्टॉल कर दिए जाते हैं जिनसे मिसाइल्स को लॉन्च किया जाता है। प्रोजेक्ट 75 इंडियन नेवी का एक प्रोग्राम है जिसमें 6 सबमरीन्स को बनाया जाना था। INS कलवारी डन हो गया, INS कनेरी ये भी डन हो गया, INS करंज, INS वेला और INS वजीर ये सब बन चुके हैं। INS वक्शीर ये छठा होगा जो बनेगा, ठीक है। हमारा अगला आर्टिकल स्ट्रिप्ड बबल नेस्ट फ्रॉग के बारे में है। स्ट्रिप्ड बबल नेस्ट फ्रॉग, अभी हाल ही में साइंटिस्ट ने एक नया जो जीनस है ट्री फ्रॉग का, उसे अंडमान आइलैंड से आइडेंटिफाई किया है, रिपोर्ट किया है, और उसे स्ट्रिप्ड बबल नेस्ट फ्रॉग कहा जा रहा है। स्ट्रिप्ड इसलिए क्योंकि इसकी बॉडी पर आपको कुछ पट्टियां मिलेंगी, इसी वजह से इसे स्ट्रिप्ड कहा जा रहा है। बबल नेस्ट फ्रॉग ये एक प्रकार की ट्री फ्रॉग की प्रजाति है, मतलब ये पेड़ पर या फिर जो भी थोड़े ऊंचे पौधे होते हैं उन पर रहना पसंद करते हैं, उनकी पत्तियों पर रहना पसंद करते हैं। बबल नेस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बबल एक क्रिएट करते हैं जिससे ये अपने अंडों के लिए मॉइस्चर बनाते हैं और उनको इन्फेक्शन से भी बचाते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए, जो स्ट्रिप्ड बबल नेस्ट फ्रॉग होते हैं ये फैमिली रैकोफोर्डी से बिलोंग करते हैं जो कि ओल्ड वर्ल्ड ट्री फ्रॉग्स होते हैं। ऐसा पहली बार है कि जब इस स्पीसीज को अंडमान आइलैंड में रिपोर्ट किया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली। इस नेचर के प्रश्न UPSC पहले भी पूछ चुकी है। फीचर्स की बात करें तो बहुत छोटे होते हैं, पतली बॉडी होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर होते हैं। अब अगर पत्तों पर रह रहे हैं तो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितने ही बड़े होंगे। देखिए, इन्हें एशियन ग्लास फ्रॉग या फिर सी थ्रू फ्रॉग्स भी कहा जाता है। ये एबोरियल बबल नेस्ट बनाते हैं, मतलब पत्तों पर एक तरीके का घोंसला बना लेते हैं। अब घोंसला ये बुनते नहीं है। देखिए, होता क्या है कि ये एक चिपचिपा पदार्थ जो होता है या सिक्रेशन के दौरान, वो सिक्रेशन या तो लार्वा से हो सकता है या फिर मलमूत्र से हो सकता है, उससे वो उसको निकालते हैं अपनी बॉडी से और उससे एक झागनुमा बबल बना देते हैं। वो झाग जो है उससे वो अपने अंडों को प्रोटेक्ट करते हैं। वो झाग जब सूख जाता है तो उनके लिए एक, उनके अंडों के लिए एक नेस्ट की तरह काम करता है। इससे उनके अंडों को मॉइस्चर भी मिल जाता है और कोई एक्सटर्नल अटैक भी नहीं होता। कुछ यूनिक बिहेवियरल ट्रेट्स हैं इस प्रकार के जो भी फ्रॉग हैं उनमें, जैसे कि मैटरनल एग अटेंडेंस, जो माँ होती है, फीमेल होती है अंडों के लिए, वो उन अंडों को सेती है। शुरू के 3 दिन तक वो अंडों को प्रॉपरली ले करती है और उन्हें बचाने के लिए वही जिसकी भी हम बात कर रहे हैं बबल नेस्ट क्रिएट करती है। एक और चीज़ देखी गई है इनके बिहेवियर में, कम्युनिटी एक अटेंडेंस का भी एक मैकेनिज्म है। मतलब एक ही पत्ते पर लगभग 50 एक क्लचेस हमें देखने को मिलते हैं और एक ही सिंगल लीफ या फिर प्लांट पे, और कई सारी जो फीमेल्स होती हैं वो उसे एक तरीके से केयर करती हैं। तो कम्युनिटी के फॉर्म में वो अपने अंडों की देखरेख करती हैं, ये एक बिहेवियर इनमें देखा गया है। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो न्यूमोनिया एंड डायरिया प्रोग्रेस रिपोर्ट 2020 के बारे में है। एनुअल न्यूमोनिया एंड डायरिया प्रोग्रेस रिपोर्ट 2020 अभी हाल ही में रिलीज की गई। रिलीज किसने किया? रिलीज किया गया इंटरनेशनल वैक्सीन एक्सेस सेंटर IVAC और जॉन्स हॉपकिंस ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ जो कि USA से बिलोंग करता है, इनके द्वारा। कुछ पैरामीटर्स हैं, 10 इनके पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पर डिसाइड करते हैं कि न्यूमोनिया और डायरिया को टैकल करने के लिए देश कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। कुछ एक उनमें पैरामीटर्स यहाँ पे बताए गए, जैसे ब्रेस्ट फीडिंग, वैक्सीनेशन, एक्सेस टू केयर, यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, ORS, जिंक सप्लीमेंटेशन। इन सब फील्ड में कंट्रीज कैसे काम कर रही हैं कि डायरिया और निमोनिया से होने वाली मौतों को रोका जा सके। अब यहाँ पर देखिए, इंडिया के बारे में कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ लेवल पे अभी हम बहुत अच्छा नहीं कर पाए हैं। इंडिया ने 90% कवरेज अवेल कर लिया है उन 3 वैक्सीनेशंस में जो इस रिपोर्ट में 5 कवर की जाती हैं। 5 कवर की जाती हैं, उनमें से 3 में इंडिया ने 90% कवरेज अवेल कर लिया है। रोटा वायरस वैक्सीन की बात करें तो इंडिया का जो कवरेज है वो 2018 में 35% था, वो बढ़ के 53% हो गया, जो कि बढ़िया है। इंडिया का जो इम्यूनाइजेशन कवरेज है, न्यूमोकोकल जो निमोनिया होता है, ये एक बैक्टीरियल निमोनिया का टाइप है, उसमें 2019 में 15% हो गया है, जो कि 2018 में महज 9% था। हालांकि ट्रीटमेंट डायरिया के लिए अगर हम बात करें तो वो अभी भी केवल 51% बच्चों को ही मिल पाता है, और जिंक मतलब ORS की बात करें, ORS का जो सप्लीमेंटेशन है वो केवल 51% बच्चों को मिल पाता है और जिंक सप्लीमेंटेशन केवल 20% बच्चों को। तो इस फ्रंट पे अभी भी हम थोड़ा लैग कर रहे हैं। रोटा वायरस की बात करें तो ये कई तरीके के डायरिया को कॉज करने वाला एक कॉमन रीज़न है,
जो कि इन्फेंट्स को दुनिया भर में प्रभावित करता है, 1 साल से कम उम्र के बच्चों को। ये फैकल ओरल रूट से पहुंच जाता है। अगर कोई गंदा हाथ हो, सरफेस हो, या फिर कोई ऑब्जेक्ट हो जहां पर कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट हो, वो अगर कॉन्टैक्ट में आ गया किसी बच्चे के या ह्यूमन के, तो फिर ये प्रॉब्लम हो जाती है। निमोनिया की बात करें तो ये लंग्स का इन्फेक्शन होता है। इसमें लंग्स में जलन स्टार्ट हो जाती है, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाता है। जो एयर सैक्स होते हैं लंग्स में, जिन्हें एल्वियोली कहा जाता है, उनमें फ्लूइड भर जाता है, पस भर जाता है, जिससे सांस लेने में बड़ी तकलीफ होने लगती है। यहाँ पर देखिए, ये जो लंग्स हैं, इसमें ये जो एल्वियोली है, इसमें पूरा पस भर जाता है, ये सूज जाता है, तो जिसके बाद बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। कई तरीके के रीजंस होते हैं इन इन्फेक्शंस के, वो वायरस, बैक्टीरिया और फंगस तीनों ही हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट है, सही गलत बताइए। हैदरपुर वेटलैंड वेस्ट बंगाल, गलत है उत्तर प्रदेश। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी 1957, सेफ सिक्योर यूज ऑफ एटॉमिक एनर्जी, सही है। INS वजीर ऑफशोर पेट्रोल वेसल, गलत है, ये एक प्रकार की सबमरीन है। स्ट्रिप्ड बबल नेस्ट फ्रॉग, अभी अंडमान आइलैंड में रिपोर्ट किए गए, सही है, ट्री फ्रॉग है, परफेक्ट। निमोनिया जो है केवल वायरस से कॉज होता है, गलत, अभी हमने देखा ये वायरस, बैक्टीरिया और फंगस तीनों से ही हो सकता है, तो ये भी गलत हो गया। इसकी PDF आपको OnlyIS के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस सेशन में हम यहीं पर रुकेंगे। थैंक यू वेरी मच।